चलिए एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सलूशन सोचिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सलूशन सोच लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन है जिसका कलर पर्पल होता है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसमें SO2 गैस पास करते हैं तब ये डीकलराइज हो जाता है और यहाँ पर जो सब्सटेंस फॉर्म होता है सॉल्यूशन के अंदर वो होता है मैग्नीज सल्फेट। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है वहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। ऑन दी अदर हैंड मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि SO2 गैस ने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क किया है जिसमें Mn+7 कन्वर्ट हो गया है Mn2+ में और इसी वजह से सॉल्यूशन का जो कलर था वो पिंक या पर्पल से कलरलेस हो गया था। अब अगर हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम पर मैग्नेट के एक्वस सॉल्यूशन में पास किया गया था तब वहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट या पर मैग्नेट आयन Mn2+ में कन्वर्ट हो गया था। अगर गैस को सॉल्यूशन में पास करने से एक्वस पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन का कलर पिंक या पर्पल से कलरलेस हो जाए या फेड हो जाए तब हम कह सकते हैं कि जो गैस हमने पास की है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो सकती है।